यहाँ पे जो है पैनल की ड्रेसिंग मुकम्मल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जब भी आप पैनल की ड्रेसिंग करेंगे तो आपको एक शेड्यूल मिलेगा, ये शेड्यूल हमारे पास है। यहाँ पे ब्रेकर और उसके बाद जिस जिस चीज़ का ब्रेकर होगा वहाँ पे लिखा हुआ है, 16 एम्पीयर के, 20 के, 32 के, सभी ब्रेकर यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखें 16 एम्पीयर, ठीक है, सी और 16, ये हमारे पास चार जो हैं, पहले ये लाइटिंग के हैं, उसके बाद ये कुछ पावर के हैं, कुछ वाटर हीटर के हैं 20 के, और 32 के जो हैं ये एसी के लिए। और यहाँ पे आप देखें तो सर का नंबर लिखा हुआ है, हमारा एक नंबर रेड यहाँ पे आएगा और इसी तरह हमारा ब्लैक जो है यहाँ पे न्यूट्रल, वो रेड हमारा यहाँ पे आएगा, सॉरी ब्लैक जो होगा यहाँ पे आएगा। और पीछे की तरफ जो है अर्थ है, इसके पीछे अर्थ है, उसमें एक नंबर होगा। उस तरह यहाँ पे होगा 3 नंबर, येलो ब्लू, ये देखें 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर, 11 11 के बाद 13, ठीक है, 15 नंबर, 17 नंबर, इसी तरह यहाँ पे भी नंबरिंग की जाएगी न्यूट्रल के ऊपर भी, और इसी तरह आर्च पे भी की जाएगी ताकि कहीं भी कोई मसला हो तो हम उसे जो है सॉल्व कर सकें। तो एक सर्कल यहाँ इस साइड पे आएंगे आपके, और एक जो आपके इस साइड पे आएंगे, यानी रेड पे एक यहाँ पे आएगा तो 2 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा, 2 नंबर, और इस 2 नंबर की जो न्यूट्रल होगी वो यहाँ पे आएगी, 2 नंबर न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल इस साइड पे भी है और इस साइड पे, इन दोनों को बाद में जो है यहाँ से लुप किया जाएगा न्यूट्रल को। ये हमारे 3 फेस हो गए और ये हमारा ब्रेकर हो गया, ठीक हो गया, और साथ में ये है इसका जो है बटन लगा हुआ है टेस्टिंग इसके लिए अर्थ का, तो यहाँ से ये ट्रिप होगा। और बाकी जो नीचे MCB ये शेड्यूल में नहीं थी इसलिए हमें छोड़ दी, और ये ड्रेसिंग तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह जो है कलर कोडिंग के साथ हमने ड्रेसिंग की है, देखें आप तो यहाँ पे RYB, ठीक है, यानी कि RYB, अपनी मर्ज़ी से हमने कोई भी नहीं कर सकते यहाँ पे, जैसे वो आपको शेड्यूल देंगे आपने उसी तरीके से करना है। ये हमारे पास शेड्यूल है और उसी शेड्यूल से हमने इसकी ड्रेसिंग की है।